नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज पीआर आर रिया आपके साथ है आज तीस जनवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड की पांच प्रमुख खबरों का सबसे पहले आपको बताएं कि झारखंड में दो नए दो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि गिरडी और खूंटी में जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा झारखंड में दो नए दो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे ये कॉलेज गिरडी और खूंटी में खुलेंगे इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और इसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा इसकी जानकारी हेल्थ सेक्रेटरी के के सोन ने शनिवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी के के सोन ने बताया कि गिरडी में कलेक्ट्रेट भवन के पास 20 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है जबकि खुटी में शहर से 20 मिनट की दूरी पर 24 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है उन्होंने बताया कि जमीन चिन्हित होने के बाद अब उसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी ये केंद्र सरकार को तय है कि यहां के मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें होगी झारखंड का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर खेल गांव में खुलेगा मशीनें बताएंगी खिलाड़ियों की ताकत व कमजोरियां विशेष ट्रेनिंग से तैयार कराएंगे एक्सपर्ट झारखंड में अगले छह माह में हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुलेगा यहां एक्सपर्ट खिलाड़ियों की क्षमता मशीनों से जांच कर उन्हें यह बताएंगे कि वे खेल से बेहतर खेल में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं जैसे एक एथलीट के हृदय के ऊपर सेंसर लगाकर ऑक्सीजन देते हुए उसे दौड़ाया जाएगा इससे उसकी क्षमता स्टेमिना का पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है और इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है यह भी उसे बताया जा सकेगा एक तीरंदाज के लिए उसकी कलाइयों में ताकत हाथों का सही एंगल और स्टेबिलिटी की जरूरत होती है फिजियोलॉजी की मशीनें खिलाड़ी की जांच कर ये सभी जानकारी दे देगी प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ी में हो रहे सुधार मॉनिटरिंग की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट लोगों को न्याय दिलाने के में झारखंड टॉप टेन राज्यों में पहुंचा एक साल में आठ पायदानों पर चढ़कर सोलहवीं से आठवीं रैंक पर लोगों को न्याय न्याय दिलाने के मामले में झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है टाटा ट्रस्ट की इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय दिलाने वाले 18 बड़े व मध्यम राज्यों की सूची में झारखंड आठवें स्थान पर पहुंच गया है दो की रिपोर्ट में झारखंड सोलहवें स्थान पर था एक साल में राज्य ने आठ पायदान की छलांग लगाई है सूची में महाराष्ट्र इस बार भी टॉप टॉप पर है इसके बाद में तमिलनाडु तेलंगाना पंजाब और केरल को स्थान मिला है उत्तर प्रदेश इस बार भी सबसे फिसड्डी रहा हालांकि बिहार पिछले साल से चार पायदान चढ़कर सत्तरवे स्थान से तेरहवे स्थान पर पहुंच गया है वहीं छोटे राज्यों में जहां की आबादी एक करोड़ से कम है त्रिपुरा शीर्ष पर रहा और इसके बाद सिक्किम और गोवा है टीकाकरण की बात करें तो 20 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू 11 फरवरी से लग सकता है फ्रंट लाइन को कोरोना का टीका पहला फेज 10 फरवरी तक पूरा करने का दिया निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने रांची जिले में 10 फरवरी तक कोविड वैक्सीनेशन के पहले फेज को पूरा करने का निर्देश दे दिया है ऐसे में 10 फरवरी तक पच्चीस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगा देना है इसके बाद ग्यारह फरवरी से फ्रंट लाइन को कोविड का टीका लग सकता है इनमें पुलिसकर्मी और निगम कर्मी शामिल हैं 28 जनवरी तक दो लाभुकों को वैक्सीन लग चुका है लेकिन यह रफ्तार काफी धीमी थी। सिटी बसों के लिए बनेगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका निर्माण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलकर मिलाकर किया जाएगा बर्टांड बस स्टैंड आधुनिक बनेगा शहर के लोगों को सिटी बस की सेवा नियमित उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर निर्माण की कवायद नगर निगम ने शुरू कर दी है पहले चरण में इसका प्रस्ताव तैयार होगा फिर डीपीआर तैयार होगी दोनों जिम्मेवारी सरकार ने निगम को दे दी है कॉरिडोर का निर्माण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर किया जाएगा ताकि गांव और शहर के लोगों को सिटी बस सेवा का लाभ मिल सके इस योजना के तहत बरटांड बस स्टैंड को आधुनिक बनाया जाएगा वही चिरकुंडा झरिया सिंदरी कतरास व छातागढ़ अंचल में नए बस स्टैंड बनेंगे फिलहाल आज के पांच प्रमुख खबरों में इतना ही कल फिर इसी वक्त हम मिलेंगे झारखंड की पांच खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहें न्यूज पी के साथ धन्यवाद